है एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल सादिया जेना। सो गाइस आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं नेगेटिव स्पेस फीलिंग एलिमेंट्स, जिसे कुछ लोग कहते हैं लखनवी मेहंदी डिज़ाइन भी। तो आज हमारी क्लासेस में हम यही सीखने वाले हैं। अब नेगेटिव स्पेस मेहंदी डिज़ाइन में और कटवर्क में क्या डिफरेंट है वो मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगी, लेकिन आज की क्लास में हम सीखेंगे नेगेटिव स्पेस और इसके बाद की क्लास में हम सीखेंगे कटवर्क। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि पेंसिल से मैंने इस तरीके से एक स्ट्रक्चर, एक लाइन, एक बेल्ट ड्रॉ किया हुआ है। तो जब हम इस बेल्ट के अंदर डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं उसे हम कहते हैं नेगेटिव फीलिंग एलिमेंट। और जब हम बेल्ट के बिना डायरेक्टली हमारे डिज़ाइन को, जो एम्बोस डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं और उसे बॉर्डर देकर फिर हम उसे जब फिल करते हैं तो उसे कटवर्क कहते हैं। तो जो कटवर्क की क्वेरी है वो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व होगी आपकी। तो आज हम सीख रहे हैं नेगेटिव स्पेस। तो बेसिक से जो एलिमेंट मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ, बस वही एलिमेंट्स को यहाँ पर मैंने एक कंप्लीट डिस्टेंस के साथ क्रिएट किया है। अगर इस एलिमेंट्स में अगर आप बहुत ही ज़्यादा गैप के साथ अगर एलिमेंट्स क्रिएट करोगे तो फिल करने के बाद आपकी डिज़ाइन पूरी तरीके से सिर्फ ब्लैक ब्लैक ही नज़र आएगी और उसमें एलिमेंट्स अच्छे से नज़र नहीं आएंगे तो आपकी डिज़ाइन मर्ज हो जाएगी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर इस तरीके से ही डिज़ाइंस को क्रिएट करें। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने ओनली लीव्स और कर्व्स के साथ ही मैंने इस डिज़ाइन को क्रिएट किया और सेंटर सेंटर में जहाँ पे जगह बच जाती है बीच बीच में मैंने थोड़े से सर्कल्स को वहाँ पे ऐड ऑन किया है। इतनी ही स्पेस में आपको क्रिएट करनी है। अब मैं यहाँ पे बॉर्डर लाइन दे रही हूँ, जो मैंने पेंसिल से क्रिएट किया था उसे यहाँ पर मैं कौन से क्रिएट कर रही हूँ। जब भी आप नेगेटिव स्पेस मेहंदी की डिज़ाइन क्रिएट करेगा तो मेक श्योर करेगा कि आप अपने एलिमेंट्स को थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करें, बिकॉज जब हम उसे फिल करेंगे तो वो थोड़ा सा और छोटा हो जाता है फिल करने के बाद। और आपको इस तरीके से फ्लैट वे में ही क्रिएट करना है। और मैं सबसे पहले यहाँ पे एजेस की लाइंस को बोल्ड कर रही हूँ, उसके बाद सेंटर पार्ट में इस तरीके से मैं क्रिएट कर रही हूँ। तो इसी मेथड को सारी हम डिज़ाइंस में फिल करेंगे, इसी मेथड को कॉपी करते हुए। बहुत ही ज़्यादा ईजीएस्ट और सिंपल इसकी फिलिंग एलिमेंट है। हम यहाँ पे टोटली चार एक डिफरेंट ब्यूटीफुल नेगेटिव स्पेस फीलिंग सीखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड या ऑफकोर्स गाइज, नेक्स्ट क्लासेस की वीडियो में जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं मेरे यूट्यूब स्टूडेंट्स के जो पोस्ट होगी प्रैक्टिस की उसे मैं अपलोड करूँगी मेरी यूट्यूब की कम्युनिटी में, तो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो आप जाके देख सकते हो कि मैंने किसकी पिक्चर्स को अपलोड किया है। सो या गाइज, अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी पिक्चर्स भी कम्युनिटी में पोस्ट करूं, अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करूं, तो आप बहुत ही अच्छे से आज की क्लासेस की वीडियोस को देखिएगा, अच्छे से सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके सीखिएगा, फिर आप अपनी मर्ज़ी से एक नेगेटिव स्पेस की डिज़ाइन बनाइएगा। जिसकी भी डिज़ाइन बेस्ट होगी नेक्स्ट में उसका भी जो पोस्ट है वो मैं अपलोड करूँगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देख सकते हो कि सेकेंड एलिमेंट में यहाँ पर मैं सिंपली हमारे फ्लावर को क्रिएट कर रही हूँ, एम्बोस फ्लावर। ये एम्बोस फ्लावर बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, स्पेशली एम्बोस डिज़ाइन में ही यूज़ करते हैं और मैं एम्बोस बंचेस में भी यूज़ करती हूँ। जब हमारे फ्लावर्स की क्लासेस हो जाएगी तो मैं आपको नॉर्मल बंचेस और एम्बोस बंचेस भी सिखाने वाली हूँ, तो क्लासेस में जुड़े रहिएगा। आप बहुत ही ज़्यादा एडवांस यहाँ पे मेहंदी सीखने वाले हो, इसलिए मैं थोड़े से इस तरीके से इजी एलिमेंट्स के साथ आगे बढ़ रही हूँ ताकि आप बहुत ही अच्छे से कैचअप कर सके और फटाफट से अच्छे से मेहंदी लगाना सीख सके। तो बीच बीच में मैंने ग्रासेस को क्रिएट किया है और इस वाली फिलिंग एलिमेंट में मैंने सिर्फ फ्लावर और ग्रासेस को ही डिज़ाइन बनाकर यहाँ पे हमारे डिज़ाइंस को कंप्लीट किया हुआ है। थोड़ी थोड़ी जो स्पेस बच जाती है वहाँ पे मैं कर्व्स भी ले रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा गैप हमारे डिज़ाइन में ना बचे। आपको फिनिशिंग का पूरी तरीके से ध्यान रखना है, जब आप प्रैक्टिस करें तब भी आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, आपको बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ ही प्रैक्टिस करनी है ताकि फिनिशिंग के लिए आपको और ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो धीरे धीरे से प्रैक्टिस करिएगा, लेकिन फिनिशिंग मस्ट है। आप मुझे प्रैक्टिस के पिक्चर्स भी अगर सेंड करें तो वहाँ पर भी आपकी फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम वापस से सेम मेथड के साथ ही हमारी फिलिंग को कम्प्लीट करेंगे, तो इसीलिए यहाँ सबसे पहले मैं एजेस को कर रही हूँ क्लियर।
और जिसे फर्स्ट एम्बोस डिज़ाइन में मैंने क्रिएट किया था कि सबसे पहले हम एजेस को क्रिएट करेंगे, एजेस को क्रिएट करके फिर सेंटर में हम फिल करेंगे, उसी तरीके से मैं सेम वे में यहाँ पे इस तरीके से फिल कर दूंगी। तो सारे डिज़ाइन को इसी तरीके से फिल करना है। आपको ध्यान रखना है कि एक भी जो गैप है वो बाकी ना रहे, बिकॉज गैप अगर रहेगा तो डिज़ाइन बहुत ही बुरी दिखाई देगी। अगर हैंड्स पे क्रिएट करेंगे तो पिक्चर्स में भी बहुत बुरी आएगी और कलर आने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा बुरी दिखाई देगी। अब पूरे डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद छोटे छोटे से मैं यहाँ पे स्ट्रोक्स ले रही हूँ हमारे फ्लावर में, और सेंटर का जो फ्लावर है वो मैं फिल कर रही हूँ। ये मैंने पहले इसलिए नहीं किया बिकॉज हमें पहले जज करना होता है कि डिज़ाइन में ये अच्छा लगेगा, डिज़ाइन बहुत भरी भरी तो ना लगेगी, इसलिए मैंने ये लास्ट में यहाँ पर कम्प्लीट किया है। नेक्स्ट डिज़ाइन में हम रोज़ की कली बनाने वाले हैं। तो आप एम्बोस डिज़ाइन में कोई से भी फ्लावर को क्रिएट कर सकते हो, बस फ्लावर की साइज़ थोड़ी सी हमें छोटी कर देनी है। तो यहाँ पर मैं रोज़ की कली को क्रिएट कर रही हूँ। मैं ऑलरेडी रोज़ की कली को ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। अगर फिर भी आपको रोज़ की कली को क्रिएट करना ना आ रहा हो तो आपको रोज़ की कली में साइड से पहले प्रैक्टिस कर लेनी है। आपके रफ बुक में आप चाहे तो प्रैक्टिस कर लें पहले। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, सिर्फ एक स्पाइरल्स को क्रिएट करके हमें नीचे हाफ सर्कल ही क्रिएट करना है और ये रोज़ की कली बनकर रेडी हो जाती है। तो आपको पहले इस तरीके से रोज़ की कली की प्रैक्टिस कर लेनी है, बाद में आप इसे एम्बोस की डिज़ाइन में क्रिएट करिएगा। आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने सारे एंगल्स में रोज़ को क्रिएट किया है, मैंने हर डिफरेंट एंगल में रोजेस को क्रिएट किया है हमारी कली को। एक ही एंगल में रोजेस की कली नहीं क्रिएट की है, एडवांस का यही मतलब है कि आपको एडवांस चीज़ें क्रिएट करनी है। तो आपको इस तरीके से ही क्रिएट करनी है कि आप फ्लावर में हर तरीके से क्रिएट करो फ्लावर को, ताकि वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल नज़र आए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ग्रासेस को भी ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट किया है, बिकॉज रोज़ की कली के साथ ग्रासेस की डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छी ब्यूटीफुल लगती है। और पहले ही हम हमारे लीव्स की डिज़ाइन की ऑलरेडी डिज़ाइन क्रिएट कर चुके हैं। इसी तरीके से ग्रासेस और फ्लावर के साथ मैंने हमारे डिज़ाइन को यहाँ कंप्लीट किया एज इट इज़। जैसे हमने हमारी डिज़ाइंस में एम्बोस को फिल किया है, उसी तरीके से हम यहाँ पे हमारे एम्बोस हमारी नेगेटिव फिलिंग को फिल करेंगे। आप इस डिज़ाइंस को अपनी मेहंदी में एज अ बेल्ट डिज़ाइन भी ले सकते हो। हम हमारे हैंड की प्रैक्टिस पे जब हमारी प्रैक्टिस करेंगे, जब हम क्लासेस करेंगे, तो हम ये सारे डिज़ाइंस को आप कैसे हाथ पे यूज़ कर सकते हो वो सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। इसीलिए मेक श्योर करिएगा कि आप बेसिक जो है इसका वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर ले। आप देख सकते हो कि डिज़ाइन बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे शेडिंग। हमने यहाँ शेडिंग भी वापस से लास्ट में क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज़ अगर हमारी डिज़ाइन ऑलरेडी बहुत भरी भरी होती और हमारी रोज़ की कली जो क्रिएट की है वो और थोड़ी सी छोटी साइज़ में होती तो हम शेडिंग का अवॉइड करते, लेकिन शेडिंग करने के बाद भी डिज़ाइन बिल्कुल मर्ज नहीं हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे शेडिंग को क्रिएट किया है। बाय चांस अगर आपसे बहुत ही छोटी बन जाती है तो आप शेडिंग को अवॉइड कर सकते हो। लास्ट में हम ओनली हमारे ऑल टाइम लीव्स के साथ एम्बोस की डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। गाइज ये लीव्स पे एम्बोस की डिज़ाइन बनने पर बहुत अट्रैक्टिव लगती है। तो जैसे रोज़ की कली को मैंने हर एंगल में क्रिएट किया है, उसी तरीके से हमारी ये लीव्स की डिज़ाइन को भी हर एंगल में हम क्रिएट करें। ये वाले लीव्स भी हमारी क्लासेस की एडवांस क्लासेस की वीडियो में ही सिखा चुकी हूँ। अगर नहीं आए हैं बनाना तो क्लासेस की वीडियोस आप दोबारा से देख ले, अच्छे से प्रैक्टिस करें और ये लीव्स की डिज़ाइंस को भी क्रिएट करें। देख सकते हो आप कि मैं इसे किस वेरिएशन में क्रिएट कर रही हूँ। और नॉर्मली जो हमने हमारे तीन बेल्ट्स को कम्प्लीट किया है, हम इसे भी बन जाने पर उसी वे में कम्प्लीट करेंगे। एम्बोस डिज़ाइन में आपको बस यही ध्यान रखना होता है नेगेटिव स्पेस में कि आप बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पे अपने एलिमेंट्स को क्रिएट ना करें और बहुत भी ज़्यादा पास भी क्रिएट ना करें, ताकि आप एम्बोस उसे बना ही ना पाए। तो आपके लिए यही इम्पॉर्टेंट है सीखना कि आप छोटे छोटे डिस्टेंस में क्रिएट करें, जैसे मैं कर रही हूँ, ताकि आपकी डिज़ाइन बनने के बाद पूरी तरीके से फिल होने के बाद और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल नज़र आए। इसी तरीके से ग्रासेस और लीव्स के साथ मैंने डिज़ाइन को कंप्लीट कर दिया है। इन सारी डिज़ाइंस में से आपको कौन सी डिज़ाइन सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से शेयर करिएगा, और अपनी प्रैक्टिस के पिक्चर ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि मैं अपने नेक्स्ट कम्युनिटी पोस्ट में आपके पिक्चर शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।
कीप लविंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।